अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई। इसके लिए मैं ली हूँ आधा किलो चिकन, इसको मैं ऑलरेडी वॉश करके रख ली। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब हम इन सबको और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही अच्छे से फेंट के डाल लेंगे। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो बाहर भी रख सकते हैं इसको। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है फूड कलर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए। अब हम एक एक पीसेस इसमें ऐड करते जाएंगे। सारे हम ऐसे तेल में हम चिकन पीसेस ऐड कर लिए। अब हम एक साइड हुए बाद दूसरी साइड टर्न करेंगे। अभी से हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो ये पूरा मसाला निकल जाता। जरी देर के बाद हम इसे मिक्स कर। चिकन एक साइड फ्राई हो गया। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से अंदर से कच्चा रह जाता है ये। चिकन फ्राई हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का चिकन भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चिकन फ्राई बन के रेडी हो गया। अगर आप लोगों को ये चिकन फ्राई की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे अच्छे डिशेस के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ।